नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स।
क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? इवनिंग स्कूल से आने के बाद पापा घर पर रहेंगे या नहीं? इवनिंग को आप सबको घर में आने के टाइम पे पापा ही दरवाजा खोलेंगे, यही ना? इसका नाम अनु है। इस दुनिया में जो बहुत से लोगों को नसीब नहीं होता वो इसे मिला है। वो क्या है ऐसा पूछ रहे हैं ना? क्योंकि एक ही डिलीवरी में चार बच्चियों को जन्म दिया है इसने और वो सभी एक जैसी हैं, लेकिन ऐसे लोगों की कुछ समस्याएं हैं। अब हेलो हेलो मैडम, एक हैप्पी न्यूज़ है। आज आपके फैसले का आखिरी दिन है मैडम। ओके, डेफिनेटली डिवोर्स तो मिल जाएगा मैडम। आप दोपहर तक 3 बजे के आसपास कोर्ट आ जाइएगा। ओके थैंक यू। पापा, सॉरी पापा। इसका नाम है मीनाक्षी। ये क्या भाई, सिर्फ सॉरी बोलकर अपना बैग लेकर कहाँ निकल रही है? ऐसा ही सोच रहे हैं ना आप? सही है, जैसे आप लोग सोच रहे हैं वैसा ही अपना बैग लेकर बॉयफ्रेंड के साथ भागने की तैयारी कर रही है। दादी, मेरी आज 3 बजे शादी है। जानती हूँ आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ है, बाकी की डिटेल्स मैंने पापा के लेटर में लिख दी है। आप अपना काम जारी रखिए। चलो देखते हैं अपने फ्रेंड के पास है क्या। चलो एक बार फोन कर लेता हूँ। ओहो, तुम क्यों नहीं नहीं करके दिमाग चाट रही हो? मैंने कहा ना मैं मेडिकल शॉप में जाकर ले रहा हूँ, उससे पहले तुम मेरा दिमाग खा रही हो। नींद नहीं आ रही। अरे भाई, नाइट्रो कैप्सूल 10 mg, उसका एक स्ट्रिप देना। नाइट्रो 10 mg का एक स्ट्रिप चाहिए? हाँ। पूरा बॉक्स ही क्यों नहीं ले लेते हो? वो भाई, वो नींद की गोली है, प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दे सकते, जाकर प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ। अरे मालूम है यार, लेकिन वो बुढ़िया ना, बार बार नींद नहीं आ रही है बोल रही है। कुछ कोशिश करो ना। सिर्फ 2 गोली दे सकता हूँ, चलेगा? हाँ ठीक है, रुको लेके आ रहा हूँ। इसका नाम कादिर है, कॉमेडी भी सीरियसली ही करता है, और आज ये सीरियस कॉमेडी करने वाला है। आज ये खुदकुशी करने जा रहा है। हीरो भी शूटिंग के वक्त कट सुनता है तो पंच डायलॉग बोलना रोक देता है, लेकिन ये अपनी चारों तरफ कैमरा घूम रहा है ऐसा ही फील करता है। ये लो। थैंक्स। उसको मैंने पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए ना? चल बेटा कादिर भाई, ये तेरे लिए बहुत ही खतरनाक है। हाँ हाँ, मैं ऑफिस में ही रहूंगा और फोन भी चालू रहेगा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके। आज कृतिका का बर्थडे। अच्छा, हाय कृतिका, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट सर। क्या है सेशन, आपका भी बर्थडे है? नहीं, मेरा नहीं है सर। आपके लॉयर आपको फोन लगा रहे थे, आपका फोन एंगेज आ रहा था तो उन्होंने मुझे फोन किया। ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट हियरिंग है, डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैंने जो तकलीफ उठाकर मेहनत की है वो मेरे बच्चों के ऊपर नहीं आनी चाहिए। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये डिवोर्स। सर, आप अपने घर वालों से हफ्ते में 2 दिन बच्चों को देखने के लिए विजिटेशन परमिशन मांग सकते हैं क्या? हाँ, मांग सकते हैं। जन्म देने वाला बाप ही अपने बच्चों को देखने के लिए अपनी बीवी से परमिशन मांगता है, वो भी एक इंसान के सामने। सर, उन बच्चों के हिसाब से तो अपनी कंपनी जैसे चलती है, फैमिली भी बिल्कुल वैसी ही चलती है, और उसमें जो भी नुकसान होगा वो बच्चों का होगा, वो ये बात नहीं समझते। इनका नाम है राजा,
इनके यहाँ चार महालक्ष्मी का जन्म एक साथ हुआ है, इसलिए धनलक्ष्मी का सपोर्ट चारों हिस्सों में बंटना चाहिए। वो ऑफिस में ही अपना सारा वक्त गुजारते हैं। नतीजा ये है कि ये बच्चों से मिल नहीं पाते। बच्चों को कब देख पाएंगे ये भी सोचना मुश्किल है। और डिवोर्स के लिए इंतजार करती हुई माँ अपने लवर के गले में मंगलसूत्र बांधते वक्त मरने के बारे में सोच रहा यह कादिर, बाप को उल्लू बनाकर आज शादी करने जा रही है यह मीनाक्षी। इन चारों के नसीब में क्या क्या चमत्कार होते हैं, आइए देखते हैं। क्या क्या देखना पड़ेगा क्या पता। कौ कैसे आना हुआ? मैं तेरे घर में दावत खाने नहीं आया। आधा ग्लास पानी भी नहीं है। जो जरूरत पड़ने पर खड़ा होता है वही दोस्त होता है, और कोई सोचेगा नहीं उस वक्त आकर जो खड़ा होता है वो है कादिर। क्या यार सुबह सुबह मैं यहाँ क्यों आया ये पूछ रहे हो? आने वाले हर दिन तू मेरी बाइक को कितने गौर से देखता है। जिंदगी में तुझे एक बार भी चलानी मिलेगी या नहीं ये बात तू मन ही मन हमेशा सोचता रहता है, और ये मैं जानता हूँ। वो तेरी बाइक है क्या? वो मेरी थी लेकिन अब तेरी है। तेरे आंसू निकलने से पहले मैं यहां से चलता हूं। आखिर बात क्या है, शादी की हुई बीवी को मुझे देकर जा रहा है, इतनी पुरानी बाइक के साथ ये कैसे अपना दिन गुजार रहा है? ये तो बिल्कुल गई गुजरी बाइक है। थू, सुबह सुबह चले आते हैं पता नहीं कहां से, मूड खराब करके रख दिया। इतनी ट्रैफिक में कौन से रास्ते से जाऊं भूल गई हूँ। हेलो हेलो मैडम, आप आ रही हैं ना? हाँ हाँ आ रहे हैं, बस करीब ही पहुंच गए। 2 मिनट्स। ओके ओके ओके। हे मीनाक्षी, अच्छा एनीथिंग स्पेशल? चेहरा कितना खिला हुआ है। 2 दिनों से सोच रही थी कि तुझसे पूछूं। समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय 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 बाय। ए मीनाक्षी, एनीथिंग स्पेशल? आखिर तुम्हारे दिल में कुछ तो चल रहा है, मुझे बताओ। हाँ समथिंग समथिंग। ओहो तुम अभी यहाँ क्यों आए हो? आज दोपहर 3 बजे तुम्हारी हमारी शादी होने वाली है, बस यही बताने आया हूँ तुम्हें। ओहो मैं सारा सामान लेकर आई हूँ, ठीक है ना? 3 बजे रजिस्टर ऑफिस में तुम नहीं आई ना तो देख लेना। तो तुम क्या कर लोगे? मैं तुम्हें दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तुम ऐसा कह रही हो? ओहो, मैं 3 बजे रजिस्टर ऑफिस पहुँच जाऊंगी, पहले तुम जाओ। मीनाक्षी टाइम पर आ जाना प्लीज। मीनाक्षी तुम इनके साथ में जा रही हूँ इसीलिए इन्हें भेज रही हूँ, वरना आखिरी वक्त तक मेरा मन नहीं कर रहा था। डोंट वरी मैम, मैं संभाल लूंगी। और मीनाक्षी ये इनकी दवाइयाँ हैं, भूले बगैर खाने के टाइम पे इनको दे देना प्लीज। श्योर मैम, ना भूलूं इसलिए सेलफोन पर रिमाइंडर भी लगा रखा है। थैंक यू, बाय। Strangers giving you chocolates, chips, water, don't have it, okay? Remember, okay? बच्चों को ये मत करो वो मत करो नहीं कहना चाहिए, उन्हें सब कुछ खाना चाहिए। They should get anything, you know? तो फिर ऐसा करूँ सर, जब ये घर वापस आएंगी तो इन्हें 4 बोतल बियर दे दूँ। They will get new, you see? Okay, bye, bye, take care. मैं गार्ड के रूम में आता हूँ। ठीक है आओ कादिर।
अरे कमाल है भाई, बिना देखे ही पहचान जाते हो। हाँ, तेरे अलावा मेरे दुकान में और कौन आएगा? इस तरह क्या सुन रहा है, एक हफ्ता हुआ है लेके। और भाई सब कैसा चल रहा है? सुपर चल रहा है, मान मर्यादा इज्जत सब कुछ है, बस एक तू आया है मेरा दिमाग खाने के लिए। सुबह के बॉयलर से ज्यादा तू ही गर्म दिख रहा है यार। तो फिर गर्म नहीं होगा तो क्या होगा? जू में आने वाले लोग घर से ही खाना लेकर आते हैं, यहाँ बैठकर खाते हैं और कचरा फेंक कर चले जाते हैं। उसे क्यों ठोक रहा है, अभी नीचे गिर जाएगा। अंदर जाकर लोग ज्यादा पैसा देकर भी खाते हैं, लेकिन मेरी दुकान पर कोई नहीं आता। अरे तेरा नाम क्या है? हाँ मामुट्टी। अरे तेरा नाम बता। जोशी। जोशी? हाँ। आज भगवान तुझे छप्पर फाड़ के दे रहा है। दे दिया और हाँ? गल्ले में रख नहीं पाएगा, इतना पैसा आने वाला है तेरे पास। ओ, मेरे पास गल्ला नहीं है, पैसा कहाँ पर गिरेगा? क्यों बड़े भाई, पैसा नहीं है क्या देने के लिए, जो इतना बड़ा बड़ा फेंक रहे हो? तेरी दुकान पर हिसाब से ज्यादा ग्राहक आने वाले हैं। अरे जो उधारी मांगने वाले हैं वो सारे एक साथ आने वाले हैं क्या? चल एक से दस तक कोई नंबर बता। ठीक है चार। ये चार नंबर ही लक्ष्मी को खींच कर तुम्हारी दुकान पर लाने वाला है। अरे भाई इस नाम से तो कोई उधार नहीं लिया। हेलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आज का दिन काम पर जाने का मेरा आखिरी दिन है, ये सोचकर मुझे गर्व हो रहा है। आज शाम को रजिस्टर ऑफिस में मेरे चाहने वाली को कोई मंगलसूत्र बांधेगा, तब मेरी जान मेरा शरीर छोड़ देगी। कुछ अजीब सा माहौल लग रहा है। अरे क्या कादिर भाई, ऊपर क्या यहाँ वहाँ देख रहे हो, आखिर बात क्या है भाई? अरे यार आज बहुत ही शांति है, कभी ऐसा देखा नहीं। पशु पक्षियों को संकट का पता पहले चल जाता है, कोई सुनामी तो नहीं आने वाली है? अरे सुनामी का मतलब हमारे गांव में पेट्रोल का भाव बढ़ता है, वैसा ही है, हफ्ते हफ्ते आने वाली। चिड़िया भी खामोश है, बहुत ही शांति लग रही है। ठीक है आज तो स्कूल के बच्चे आए नहीं है ना? हाँ कादिर भाई, अभी फोन आया था, बहरे और गूंगे स्कूल के बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं। बहरे और गूंगे स्कूल के बच्चे?
भैया ये क्या बहुत ही बदबू आ रही है? पता नहीं किस टाइम पर मेरा नाम चीता रखा था, चूहे से भी बेकार जिंदगी गुजार रहा हूँ। ठीक है अपना चेहरा तो दिखाओ, ठीक से दिख नहीं रहा है। अरे भाई कौन तुम? अचानक एक आवाज आई। हाँ तो क्या वो आवाज MGR की थी क्या? अरे वो लड़की का भाई, भाई की आवाज मैंने सुनी तो क्या मैं खामोश रहता? हम कितने दिनों से एक दूसरे को जानते। ऐसा कहकर भाई की स्टाइल में अंदर घुसकर ये देखो एल साइज बाटा का निशान चेहरे पर दिख रहा है। तू भी यार कैसा ना पूछने वाला सवाल कर रहा है। वाह भाई। अच्छा वो छोड़ो, आज स्कूल के बच्चे आने वाले हैं, सारे पिंजरे बराबर बंद करके रखे हैं ना। अरे तेरी उम्र और मेरी सर्विस, चाहे कुछ भी हो वॉचमैन वॉचमैन होता है और गार्ड गार्ड ही होता है। चलो निकलो जाकर सारे गेट बराबर बंद करो। ओए वो तुम्हें बुला रही है, जाओ। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? कब से आवाज दे रही हूँ वॉचमैन। तुम ही यहाँ के वॉचमैन हो ना, तो इन्हें क्यों हाथ दिखा रहे थे? बाथरूम कहाँ है? सुनो। थैंक यू वॉचमैन। वो वॉचमैन बोली और तू कुछ बोल नहीं पाया? अरे उस बेचारी को पता नहीं होगा। तुझे अगर वॉचमैन बोली तो मुझे क्या बोली? अरे तू तो वॉचमैन के भी लायक नहीं है। हे भगवान, सांप, 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 सांप है। क्या हुआ? अंदर सांप है। सांप है? ए बाथरूम में या तो पाइप रहेगा या पंप रहेगा, सांप कैसे हो सकता है? किसी चीज को देखकर डर गई होगी। ठीक है आप रुको, मैं जाके देख के आता हूँ। अंदर जो है वो सांप ही है। आई शेर की गुफा में जाकर देखने वाला मैं। जा सांप तेरा वेट कर रहा है। कादिर तो हमेशा कॉमेडी करता ही रहता। टंटन चले गए क्या? मेरे अंदर जाते ही वो लोग चले गए। मैंने भी बेकार में पंच डायलॉग बोल दिया। लोगों में इंसानियत ही नहीं है। Are you okay? क्या रे ये लोग घूर घूर कर देख कर फोटो निकाल कर जा रहे हैं। तो और क्या करेंगे, पूरी दुनिया में इस तरह के कपड़े तो हम दोनों ही पहनते हैं। तू भी ना, डॉक्टर को सफेद, पुलिस को खाकी, वकील को काला कोट, ऐसा सबका ड्रेस होता है। और हम सब पुराने चोर हैं, हमारा भी कोई खास ड्रेस होना चाहिए ना। हाँ आप भी तो एक मास्टर है ना, पहले मैं बड़ा बड़ा शर्ट पहनता था ताकि मेरे शरीर के अंदर जो भी है वो किसी को ना दिखे। और आपने ऐसे कपड़े पहना दिए हैं कि अंदर का तिल तक सबको दिखाई दे रहा है। अरे मैंने देखा ही नहीं। तुम नहीं देखो ऐसा हो सकता है क्या? वो सब छोड़, हमें 2 महीने का बोल के जेल में डाला था, एक ही हफ्ते में बाहर क्यों निकाल दिया? हमने कोई अच्छा काम किया है क्या बाबू? अच्छा काम नहीं क्या, हमारा बैकग्राउंड अच्छा था। अरे नहीं मास्टर, जेल में जो कपड़ा धोता था ना उसके साथ तुमने जो अच्छा व्यवहार किया था वो एक हफ्ते की छुट्टी लेकर भाग गया। मेरी बेइज्जती मत करा। बुआ का क्या करना है ये बता मुझे। मेहनत करके। अरे क्या मेहनत करके, मेहनत करके नहीं मास्टर, तोड़ कर मत खाओ, हमेशा के जैसा चोरी करके खाओ। वेरी गुड वेरी गुड। छोटी चोरी के बारे में मत सोचो, बड़ी चोरी के बारे में सोचो। अभी तक आप बदले नहीं क्या? अरे मैं चोरी की बात कर रहा हूँ रे। तो फिर ठीक है बैंक ही लूट लेते हैं। अरे बाबू पुराना स्टाइल है, ATM लूटना आजकल का नया स्टाइल है। ATM बोले तो वो कहाँ? जा पागल कहीं का, ये जो तेरी आंखों के सामने बच्चे घूम रहे हैं ना ये सब आजकल के ATM ही है। यही लोग ATM है क्या? पैसों से ही पैसा आता है, अब वो ही गिनने का टाइम है। क्या वो चाबी क्यों नहीं दिख रही है? अरे स्कूल के बच्चों के टूर का टाइम हो गया है अब, और पता नहीं कौन से पिंजरे की चाबी रहेगी। अरे वो ही है। अरे बोला था तो समझते क्यों नहीं है? मैं इधर ही तो हूँ। जो बोला वो याद है क्या? आज कौन सा दिन है पता है? बहन के बच्चे का जन्मदिन है, वो मोर का बच्चा चाहिए। कितनी बार बोला हूँ? अरे मैंने बोला ना शाम तक बच्चे के हाथ में मोर होगा, बस बात खत्म। 3 बजे मुझे वो बच्चा चाहिए। हाथ लंबा करके पैसा लिए हो ना। बेकार में बच्चा दो बोल के टॉर्चर मत करो मुझे, वरना मैं ही 2 पंख लगा के वहाँ आ जाऊंगा, समझे? अब रखो फोन। अरे चाबी क्यों नहीं दिख रही है, इसके लिए तो परेशान हूँ मैं, और उसे मोर के बच्चे की पड़ी है। अरे चाबी कहाँ गई? हाँ बोल भाई। क्या वो कादिर है, अभी तक मरा नहीं क्या? क्यों बे ऐसे पूछ रहा है जैसे गांव नहीं गया? वो नहीं, दुकान दुकान जाकर बहुत तकलीफ से गोली लिया, ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ यार। अच्छा ठीक है ये बता, कल का क्वार्टर में जो बचा था वो कहाँ रखा है? अबे कमीने, लेकिन एक बात है
आज शाम को 3 बजे मेरी लवर के गले में मंगलसूत्र बांधने के वक्त कट कर दिया क्या? कटिंग बनाने वाले को फ्रेंड बनाऊंगा तो ऐसा ही होगा। क्या बेटी, बाथरूम जाना है? अरे ये भी, अरे मुंह खोलकर बोल नहीं सकती। सॉरी हाँ, बिस्किट। फोटो क्या, कैसा फोटो? ये क्या दबाऊं? ये क्या, एक जैसे दो लोग? आजा, जा। दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कमाल है। अरे बाप रे, ये मैजिक है क्या? फोटो खींचना है? आ जाओ आ जाओ। और तो कोई नहीं है ना? जॉइंट जॉइंट। जरा देखो तो इनको, कैसे डांस कर रहे हैं। ए लंबू, उस बीच वाली लड़की को उठा लें क्या? कौन सी? वो जो चेक वाला फ्रॉक पहनी है वो? अरे पागल, सबने चेक ही पहना हुआ है, ये उनका यूनिफॉर्म तो है। हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी तू देख मैं क्या करने वाला हूँ। कहाँ दिखा? दिखाता हूँ। लड़की उधर है तो इधर क्या देख रहे हो? मैं क्या करने जा रहा हूँ तुझको पता नहीं है, जरा रुक जा, दिखाता हूँ मैं। चिंचिंता चिंचिंता चिंचिंता। हेलो, व्हाट्स योर नेम? नेम 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 क्या है? गूंगी है क्या? बहरी भी है, ये क्या करने जा रही है? स्कूल टीचर बोल रही हूँ। जी कहिए। वो आपसे कुछ कहना चाहती है। डैडी, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज घर आ जाइए डैडी, हम लोग अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे। आपसे चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट, ड्रेस कुछ भी नहीं मांगूंगी। प्लीज घर आ जाइए डैडी, हम सब मिलकर एक साथ खेलेंगे। जब हम घर आएंगे आप वहां रहेंगे ना? मुझे रोना आ रहा है डैडी। सॉरी सर, अब मुझे और नहीं कहा जाएगा। अरे मेरे अच्छे दिन आ गए, तुम्हें देखते ही मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। अरे बस एक से ही काम चल जाएगा। हुँ।
खुल जा खुल जा आ, खुल जा ना जल्दी से। मोर का बच्चा, प्यारा मोर का बच्चा, अच्छे से खाना, शरीर फुलाकर नैन तारा के जैसे डांस करना, ठीक है? पहले बताइए ये क्या है? अरे बाप रे, ये तो सांप की केचुली है, ये आपके पास बाहर पड़ा था, यहाँ कैसे आया? वो क्या है ना कि वो जू में जो सांप पाला है ये वही रहेगा ना, और इस बोर्ड के पार क्या है, जंगली जंगल है, तो उधर से कोई सांप आया होगा और ये उतार के चला गया होगा। जाइए जाइए, बच्चों को घुमाइए जू, जाइए आप। अरे गए हफ्ते में एक राजस्थान से आई थी और आने के रास्ते में एक को डालकर चली गई थी, कहीं वही तो नहीं है ये? अगर ये इधर है तो फिर वहां क्या है? अगर ये वो है तो फिर मैंने उधर ताला नहीं लगाया क्या? अरे कहा ना 3 बजे तक आती हूँ। आजकल के बच्चे ना बड़े नॉटी हो गए हैं। क्या हुआ? फिर से वापस शुरू हो गया क्या? अरे पुष्पक के कमल हसन जैसा क्या इशारा कर रहे हैं, खुल के बात करो ना। अरे पागल, उस बच्ची को उठा लेते हैं ना। उठाते नहीं, उठा रहे हैं। जिंदगी में कभी भी चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से बोलने का, मैं कैसे बात करता हूँ वो देखना, आइटम भी साथ रखा हूँ। तुम कैसे बात करते हो मुझे अच्छे से पता है, जाओ जाकर बात करो। मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ, बस देखते रहो मैं क्या कमाल करता हूँ। तुम जाओ, मैं देखता हूँ, जाओ जाओ। किसी को आने मत देना। हाय, यू वांट चॉकलेट? मोटी हो जाओगी इसलिए नहीं कह रही हो? अरे खाओ का कुछ नहीं होगा। माँ से तुमने प्रॉमिस किया है क्या? अरे उनको बताना मत, चुपचाप खा लो खा लो। अरे मैं मोटा नहीं हो सकता, इस बॉडी का लेवल सैचुरेट कर गया, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। अरे तुम खा लो और अपनी मम्मी को मत बताना। पीछे देखूं? पीछे क्या है भाई? अरे बाप रे, इसकी जगह मैं होता तो फूंक के उड़ा देता। हाँ ये लंबू तो बिल्कुल गॉन केस है। हाँ एक और मारो इसे। बेटा तुम मुझसे यही बोल रही थी, फिर भी चॉकलेट खा लो। क्या है, क्यों ऐसे छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो? मैं तुम्हें कह तो चुकी हूँ कि सारा सामान ले आई हूँ मैं, तुम ऐसे बार बार 10-10 मिनट में फोन क्यों कर रहे हो? तुम जानती हो ना मेरा फर्स्ट टाइम है। तो तुम्हें क्या लगता है मेरा 10वीं बार है? कोई भी सामने आता है तो ऐसा लगता है कि वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। मैं लड़की होकर नहीं डर रही हूँ, तो तुम क्यों डर रहे हो? अच्छा सुनो, पापा का कॉल आ रहा है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हेलो हेलो मीनाक्षी। हेलो पापा। अरे बेटी मीनाक्षी, लगता है तुम खाना घर पर ही भूल गई हो। पापा लेट हो गई थी उसी टेंशन में। कोई बात नहीं, मैं पहुंचा देता हूँ, सुबह भी तुम बिना खाए चली गई। कोई बात नहीं पापा, मैं यही कैंटीन में खा लूंगी। कैंटीन में क्यों? बेटी तुम सुन तो रही हो ना? बोलिए ना पापा। मैं पूछ रहा था कि तुम शाम को कब तक पहुँचोगी? वो 5 बज जाएंगे। हेलो पापा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आई, प्यार किया और धोखा दिया और चली गई। क्या हुआ मैडम? 4 बच्चियां दिखाई नहीं दे रही। दिख नहीं रहे? अरे वो तो यहीं कहीं खेल रहे होंगे, जो डर गया वो समझो मर गया। ए, क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ बच्चियां खो गई हैं और तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, माइक में अनाउंस करेंगे तो वो लोग आराम से आ जाएंगे। हेलो, वो बोल सुन नहीं सकती, डेफ एंड डम। अरे ये पहले बताना चाहिए था ना, डेफ एंड डम क्या होता है? तुम्हें किसने आका वॉचमैन बना दिया?
वो चारों बच्चियाँ ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं, और वो चारों बच्चियाँ बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। कौन? वो एक जैसी डुप्लीकेट चार बच्चियाँ? तुमने देखा है क्या? अरे देखा क्या, अभी तो उन्हीं के साथ फोटो खींच रहा था। आइए मेरे साथ। हाँ, वहाँ कहाँ जा रही है, यहाँ आइए। ठीक है। ए मास्टर, इतना ये सब एक आदमी का काम हो सकता है क्या? अरे यार, एक तो मुझे बहुत डर लग रहा है और तू कॉमेडी कर रहा है। यहीं पर तो मैं उनकी फोटो खींच रहा था, इतनी जल्दी कहाँ जा सकती हैं? अरे बाप रे, अब नहीं चला जा रहा मुझसे, थक गया मैं तो। बैठ जा। ए लंबू, मेरे से नहीं हो रहा है। एक काम करता हूँ, पांडे को फोन लगाता हूँ, उसे बोलता हूँ कि गाड़ी यहाँ पर लेकर आ जाए। हेलो पांडे, मैं बोल रहा हूँ, जू के पीछे हूँ, तू जल्दी से गाड़ी लेकर जू के पीछे आ जा। अरे फालतू की बात मत कर यार, तू जल्दी से जू के पीछे गाड़ी लेकर आ जा, आने में देर मत करना वरना टेंशन हो जाएगी मुझे। अच्छा मास्टर, ये बच्चियाँ ना सुन सकती हैं ना ही बोल सकती हैं, तो फिर इनके घर का नंबर कैसे लेंगे? अरे लंबू, लिख कर लेंगे ना, ये बोल नहीं सकती है तो क्या हुआ, ये लड़कियाँ फोन पर नंबर तो डायल कर सकती है ना। अच्छा, ये तो है, चलो करके दिखा। जरा रुक जा, मैं दिखाता हूँ तुझे, रुक एक मिनट। दिखा। डैडी डैडी, पापा पापा, मम्मी मम्मी, अम्मा अम्मा, उनका फोन नंबर लिख कर बताओ मुझे जल्दी से। हाँ मास्टर, एक बात को दो दो बार रिपीट करने से ये नहीं सुन रही। लंबू, तुम मुझे टेंशन मत दे यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, पहली बार ये काम कर रहा हूँ। करो फोन 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 फोन। अब फोन नंबर लिखेंगी, फोन नंबर डायल करेंगी। थैंक यू। अरे मास्टर, ये हाथ क्यों कांप रहा है, फोन उठाकर बात करो ना। हेलो, तुम चुपचाप मेरी बातें सुनो, तुम्हारी बच्चियां मेरे कब्जे में है, तुम्हारी सारी बच्चियां इस वक्त मेरी कस्टडी में हैं। तुम्हारी हर एक बच्ची के पूरे पूरे 10 लाख रुपए होंगे। हाँ, और मेरे पास 4 लड़कियां हैं, तो पूरे 40 लाख हुए। मैं दोबारा फोन करूंगा। ये हाथ इतना क्यों हिल रहा है मास्टर? सुबह से चाय नहीं पी है, बहुत ज्यादा ही काट रहा है। अरे तुम ही ना, शुगर की गोली नहीं खाई है, इसीलिए मुझे कपकपी हो रही है। अच्छा दो दो, फोन मुझे दे दो, तुमसे नहीं होगा। हाँ रुक 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 रुक, एक के सर पे 10 लाख तो पूरे 40 लाख हुए ना। पता है क्या हुआ मैडम? हाँ? आपका चेहरा पूरा उतर गया है, किसका फोन आया था? फोन पर किसी ने कहा कि बच्चियों को किडनैप कर लिया है। किडनैप कर लिया है? वो तो ऐसे ही किसी ने मजाक किया होगा। ए, ये कोई मजाक करने वाली बात है क्या? वैसे किडनैप करने वालों को आपका नंबर कैसे पता? जरूर बच्चियों ने ही बताया होगा। तो फिर पक्का वो लोग यहीं कहीं होंगे, उसी नंबर से फोन करके देखो। नंबर बिजी आ रहा है। हेलो हेलो, आप हैं क्या? बोलिए जी। तुम एक काम करो, सारे कपड़े ले लो। आ, मैंने आने को नहीं कहा, बस अपने कपड़े ले लो। क्या जी, घर पर भी नहीं आते हैं, कहाँ लेकर जा रहे हो? हम यहाँ से मलेशिया जाएंगे, और वहाँ से सिंगापुर, और फिर हम दुबई, और दुबई के बाद हम अमेरिका। कैसा लगा प्लान? कब जाएंगे? हेलो हेलो, अरे मैं क्या कह रही हूँ, सुन रहे हैं ना? देखो मैं बाद में फोन करता हूँ, मैं फोन रखता हूँ, एक जरूरी काम है। ये लंबू इस तरह क्यों खड़ा हुआ है, कुछ गड़बड़ है क्या? ए लंबू, क्या हो गया रे, कुछ बताएगा भी आखिर बात क्या है? लंबू, ये तो एक साथ हम दोनों को निगल लेगा रे, आवाज बिल्कुल मत करना वरना यहीं पर हमारी समाधि बन जाएगी। ये तो बहुत खतरनाक है, पूरा का पूरा निगल जाता है, कहाँ फंस गए यार? मैं आऊंगा ऐसा सोचा नहीं था, उसी को कहते हैं कादिर, क्योंकि अच्छे लोगों को सामने में दिखता नहीं हूँ, लेकिन तुम जैसे बुरे लोगों के लिए कादिर एक लेजर है। ए, मैं यहाँ बोले जा रहा हूँ और तुमको डर नहीं लगता? तुम क्या यहाँ पर 2020 मैच देख रहे हो? इतनी देर
से तुम लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं, वरना मैं पहले ही भाग गया होता ना। कम से कम अपनी जान तो बचा लेता, अब पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं जब तक हूँ तब तक कुछ नहीं होगा। कोई भी हिलना मत, वैसे ही खड़े रहो, अगर हिले तो कुछ भी हो सकता है। अरे बाप रे, ये कितना बड़ा है। सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है, सारे लोग झूल से बाहर निकलने की कोशिश करें। सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है, सारे लोग झूल से बाहर निकलने की कोशिश करें। चलो जल्दी करो, भागो, चलो जल्दी जल्दी इस तरफ से, जल्दी करो और तेज, चलो 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 भागो, जल्दी करो, भागो यहाँ से, चलो निकलो निकलो, अरे चलो 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 चलो। हे भगवान, क्या हो गया, अरे अरे क्या हो गया, हमें किसी तरह से बाहर निकलना होगा। चलो जल्दी जल्दी उस तरफ से निकल सकते हैं, चलो उस तरफ, चलो यहाँ से निकलो, यहाँ 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 चलो बाहर निकलो, चलो 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 चलो
सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, हम लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले ही मीडिया वाले यहाँ पर पहुँच चुके थे सर। हमने बहुत कोशिश की पर क्राउड कंट्रोल नहीं हो पाया सर। सर प्लीज जाने दीजिए प्लीज। सर हमने किसी को भी अलाउ नहीं किया है। सर ये कैसे हो सकता है प्लीज? अभी अंदर कौन है? जू के इंचार्ज के अलावा बच्चों के स्कूल टीचर भी अंदर हैं सर। इन्फॉर्मेशन दीजिए। समाचार। एक खास स्कूल के बच्चे नेशनल जू में गए थे। वहां एक ही परिवार की 8 साल की 4 बच्चियां गायब हैं और एक अजगर सांप के पिंजरे से बाहर आ जाने से वहां भगदड़ मच गई। थोड़े हफ्ते पहले बाहर से उसे चेन्नई लाया जा रहा था, तब रास्ते में वहां एक हादसा हुआ था। हादसे की जगह से यूआई टीवी से सीधा प्रसारण किया जा रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं चेन्नई नेशनल जू। यहाँ गुंगी बहरी लड़कियाँ एक सांप से अपनी जान बचाने में लगी हुई हैं। वो लोग अपनी जान बचा पाएंगे या नहीं, इसके लिए आप देखते रहिए, कहीं मत जाइएगा। Stay tuned to UIT. जान, वो भी 4 जाने और वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ऐसा बोल रही हो? मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा दिल टूट गया। इस कादिर का तो कोई नहीं है, लेकिन उनके 4 बाप और 4 माएं हैं। ए, तुम पागल हो क्या? वो चारों बच्चियाँ एक ही औरत की हैं। ओ गॉड। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। ये जू का एंट्रेंस, इसी रास्ते से सब अंदर आते हैं। क्या कहती हो? काम की बात करो प्लीज। पहले तो यहीं पर देखा था, यहाँ जाने के टाइम पर ही बच्चियों का मैंने फोटो लिया था और इधर से यहाँ आने के टाइम ही आहब को फोन कॉल आया था। बाद में, अरे ये क्या, बाथरूम की जगह पर जूस का दुकान है। जू में तुम काम करते हो या फिर मैं करती हूँ? ये हैदराबाद जू का मैप है, चेन्नई जू का मैप ये है। मालूम है, मैं अच्छे से जानता हूँ। कादिर, सांप को पकड़ा कि नहीं? क्यों भाई, वो क्या शेर या चीता है इतनी जल्दी पकड़ कर लाने के लिए? शेर चीता बोले तो इतनी जल्दी पकड़ोगे क्या? ऐसे अब, अच्छा कुमार, यहाँ से जाने के लिए कहो। ए, जाओ। चले गए अब। और एक को यहाँ जाने के लिए बोलो। इधर क्या, जा भाई। और आप इधर से इधर जाओ। अगर मैं भी चला गया तो? और तू अंदर बैठ कर ताला लगा लो, ऐसा सोच रहा है ना? अंदर बैठ कर पीने के लिए सौंठ की चाय लाऊं क्या? अरे जाओ जाओ भाई जाओ, नींद उड़ गई ना। अरे जाओ ना जल्दी, थोड़ा देख कर प्लान बना, मैप नहीं फटना चाहिए। देखो मैडम, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, खुद कंफ्यूज हो रही हो और मुझे भी कंफ्यूज कर रही हो। सांप को देखकर भागने वाले बच्चे पक्का इसी जगह पर ही होने चाहिए। मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो पक्का यहीं पर होंगे। आप अंदर नहीं जा सकती। मुझे अंदर जाना है। एक बार बोला ना आपको, मैं उन बच्चियों की माँ हूँ, मुझे ऑफिसर से मिलना है। I'll call you back. सर, what's happening? वो मेरी बच्चियाँ हैं सर, क्या हुआ है मेरी बच्चियों को? मुझे मेरी बच्चियों को देखना है। प्लीज मुझे मेरी बच्चियों को देखना है। मैडम, आपका डर क्या है, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। देखिए, सांप एक ऐसी चीज है जो इंसान की नजर में आसानी से नहीं आता, वो कहीं भी हो सकता है। 1000 एकड़ का जू है मैडम, आप अंदर जाएंगे और आपको जरा सा भी कुछ हो गया तो आपकी बच्चियों को बहुत तकलीफ होगा। सो मैडम प्लीज प्लीज हिम्मत से काम लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा मैडम।
प्लीज। जू से भागते समय मेरा फोन कहीं गिर गया, अगर आप अपना सेलफोन देंगे तो मैं एक फोन करना चाहता हूँ। अरे वो तो अंदर गिर गया है, बाकी सब लोग बाहर भाग गए हैं, अंदर तो सिर्फ सांप घूम रहा है। और तू किसे कॉल करना चाहता है? जू के अगर बाहर गिरा हो तो कोई उठाकर ले गया होगा ना सर। ये ले। मैडम जो मैप में बताई थी वो यही जगह है, आइए अंदर चलकर देखते हैं। कमिश्नर, यस सर। कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मीडिया बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है, दैट्स ऑल सर। ओके, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ओके सर। अच्छा, आपने अंदर जाने की कोशिश की थी? सर, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ बट वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे, जू का प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशन का हवाला दे रहे। बच्चों का मामला है, केयरफुली हैंडल करना। करेक्ट सर। या अभी इनके स्टाफ अंदर सर्च कर रहे हैं, सो वी कांट गो इनसाइड। आप वहीं से हैंडल कर लेंगे? या जरूरत हो तो बोलो, मैं आ जाता हूं। डेफिनेटली सर, मैं थोड़ी टाइम देखता हूं, देन आई विल टेक सम स्टेप्स सर। एक मिनट, बैक बैक। क्या हुआ? यहाँ कहीं पर एक पेड़ गिरने वाला है। बाप रे, मैं तो सांप समझ रहा था। ओहो, अब चलो। बाप रे, अकेले घूमना नहीं चाहिए और देख कर चलना चाहिए। वेलकम बैक। एक सांप के सामने चार बच्चियां फंसी हुई हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में हम उन चारों बच्चियों की माँ के साथ एक इंटरव्यू कर रहे हैं। मैडम, आपके और आपके पति का डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा है और ऊपर से आज आपकी चारों बच्चियां इस जू में फंसी हुई हैं। किस लैंग्वेज में बात करूं, हिंदी में या इंग्लिश में? जो भी लैंग्वेज आपको ठीक लगे मैम, बस कैमरा फेस करिएगा, लाइव टेलीकास्ट है। बात खत्म करने के बाद आप यूआईटीवी बोलती रहिएगा प्लीज। Just enough. Cut, cut, cut. सबकी मुराद पूरी करने वाले मेरे भगवान, अचानक उनका मन बदल गया और मेरी जिंदगी के साथ खेलने का फैसला कर लिया। एक ही दिन में मेरा डिवोर्स का फैसला और उधर मेरी बच्ची के साथ हादसा। जब सब अपने हाथ में होता है तो उसकी वैल्यू पता नहीं होती। जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तभी पता चलता है कि वो हमारी जिंदगी है। बीवी का डिवोर्स होने वाला है, क्या ये बात सही है? लगता है मेरे घर के बारे में आप मीडिया वाले ज्यादा जानते हैं। वैसी बात नहीं है। मुझे मेरी बच्ची से मिलना रास्ता दीजिए। सर 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 सर, एक क्वेश्चन प्लीज। बोलिए। सर, आप एक जेंटलमैन हैं, चार बच्चियां आपकी जान हैं, ऐसे में आप लोग डिवोर्स क्यों ले रहे हैं? मैं क्या बोलूं, आप मैरिड हैं? यस सर। पास होकर भी जब आपके पास किसी चीज की कोई कमी ना हो, दिल खोलकर बात करने के लिए उसके पास उसका पति ना हो तो वो डिवोर्स ही चाहेगी ना। बट एनीवेज, अभी भी मुझे डिवोर्स के लिए कोर्ट में जाना था और इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। वैसी बात नहीं है सर, बच्चे अंदर फंसी हैं, उसके बारे में आपको जितनी जानकारी चाहिए थी वो आपको मिल गई, आप मुझे जाने दीजिए। सर सर सर, वन क्वेश्चन सर। सर फिक्र मत कीजिए मैडम, आपकी बच्ची आपको मिल जाएंगी। क्या कह रहे हैं लोग? मुझे कुछ नहीं पता राजा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिससे भी पूछो कहते हैं ढूंढ रहे हैं, कोई कुछ जवाब ही नहीं देता। चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। जी सर, आई एम राजा।
अंदर जो बच्चियां फंसी हुई हैं, मैं उनका पिता हूं। हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात अंदर सुन नहीं पा रहे, वो लोग भी हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बट वी स्टिल डूइंग आवर बेस्ट। क्या हम अंदर जा सकते हैं? हमें बहुत चिंता हो रही है सर। आई एम सॉरी, हमारी बच्ची अंदर है, हमें बहुत फिक्र हो रही है। वी टोटली अंडरस्टैंड सर। बच्चों का इतनी दूर तक आने का तो कोई चांस ही नहीं है, अब हम आए हैं तो देख ही लेते हैं। काम करते हैं और आप बच्चियों को ढूंढ लेंगे, ये सोचकर मैं आपके साथ आई थी। वैसे मेरे पास पेपर स्प्रे है। पेपर चिकन? ये तो अपनी पार्टी की है। मैडम ये देखिए, ये वॉच टावर है। ये वॉच टावर है? वॉच टावर मतलब वॉच टावर के जैसा। अगर इसके ऊपर चढ़कर हम देखेंगे तो पूरा जू दिखाई देगा, फिर तो बच्चों को इजीली ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप तो मुंह में जो आए वो बक रही हो। हाथी की सुंड होती है कि नहीं है, लेकिन इंसान में विश्वास रहना बहुत जरूरी है। जाओ। ठीक है, आप लेडीज हो, ऊपर आओगे तो चक्कर आएगा, इसलिए आप यहीं पर रुकिए। मैं सर करके ऊपर जाता हूँ और सर करके नीचे आता हूँ। ओके। ताली बजाइए नहीं तो दर्द होगा। तुम तो सर करके ऊपर चढ़े और फर्र करके नीचे आ गए। हाँ, वो तो मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। ओहो। ये तुम्हारी जेब से गिरा, ये क्या है, बबल गम? क्या मैडम, कौन से गांव में ऐसे लकीर लकीर वाला बबल गम बेचते हैं? अरे ये नींद की गोली है। ओ, नींद की गोलियां हैं क्या? आपको नींद की गोली नहीं पता? एक आदमी नींद की इतनी गोलियां रखता है, क्यों ऐसा नहीं पूछोगी? और इसके पीछे रीजन क्या है? प्यार में किसी ने धोखा दिया है? आपको मजाक लग रहा है, लेकिन एक बात है, आज शाम को 3 बजे मेरी लवर के गले में जब मंगलसूत्र बंधेगा तब मेरी जान निकल जाएगी। यही सोचकर वो हर एक शादी के दिन आने पर वो रो रो कर तड़पेगी, नहीं तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और वैसे भी तुम्हारे जैसे इंसान से शादी ना करके ही वो खुश रहेगी। जब देखो बेकार की बातें करते रहते हो। अब चलो। बेचारा सांप, सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं और इसे छोड़ दिया। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? उन बच्चियों की माँ ने टाइम पर उन्हें दवाई देने के लिए कहा था, उसी का रिमाइंडर लगाया था मैंने, और वो दवाइयाँ भी मेरे पास ही हैं। कौन सी दवा है और अगर नहीं दी तो क्या होगा? क्या होगा यही तो नहीं पता, लेकिन उनकी माँ ने कहा था कि दवाई देना बहुत जरूरी है। हे भगवान, अब ठेरो, क्या करूं मैं? कुछ करते हैं। अरे क्या है ये तो? हेलो, क्या है? हर 10 मिनट में फोन कर रहे हो, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ, लगातार बोले जा रहे हो, बच्चा आ जाएगा ना? अरे एक मोर का बच्चा ही तो मांग रहा हूँ, इसके लिए तो इतना बिल्डअप दे रहा है। रात में बच्चा मांगते तो बात अलग थी, लेकिन तुम तो उसे दिन में मांग रहे हो, ये कैसे होगा? शाम तक पहुंचा दूंगा ना बच्चा, बोला तो। अरे मैं क्या तेरे को बैंक लूटने के लिए बोल रहा हूँ, एक मोर का बच्चा ही तो मांग रहा हूँ। अब मैं ही 4 मोर पंख लगा के वहाँ आ जाता हूँ, और तो क्या है? आज 3 बजे तक मोर का बच्चा मिलना ही चाहिए। तू कहाँ जाएगा, क्या करेगा, मुझे नहीं पता। रखो यार, मोर का बच्चा देने से पहले लगता ये लोग ही बच्चा दे देंगे। ए मीनाक्षी, 3 बज गया, हम तुम्हारा यहाँ कब से वेट कर रहे हैं। मुझे भी पता है कि 3 बज गए हैं, मैं इस वक्त आने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। ए कैसे बात कर रही हो तुम? अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पापा के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता दो, और फोन रखो। क्या हो गया, इसे अपने पापा से बात करने के लिए मुझसे बोल रही है? क्यों जी, 3 बज गए क्या? इस टाइम पर तो मेरी लवर के गले में मंगलसूत्र बांध दिया होगा, इसलिए
बोले हुए वक्त में मैं खुदकुशी नहीं कर पा रहा हूँ। चलो बच्चों को ढूंढते हैं। चलिए। नींद की गोली जेब में रख के घूम रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। ओए तुम तो इंसान हो, अपने कान बंद करो। अबे कमेंस किया हो ना, भूत की चाल चुड़ैल के देवा, भूत की अम्मा की बेटी। अरे ये क्या बोल रहा है? अरे ये जो भी बोल रहा है आधा बोल रहा है, इसके पूरा बोलने से पहले चलो। अरे ऐसे मुझे डरा क्यों रहे हो? हम गलती से इस तरफ आ गए हैं, हम रास्ता भटक गए थे और डर के मारे हम पेड़ पर चढ़ गए थे। कौन तुम? सच कह रहा हूँ। सच सच बोलो, उन चार बच्चियों को देखा या नहीं? क्या कहा? वो ज़ेरॉक्स अभी तक यहीं पर घूम रहा है क्या? हाँ यहीं पे घूम रहा होगा। तो बच्चे यहाँ पर भी नहीं है तो फिर कहाँ गए होंगे? हेलो। हाँ बोल बेटी। खाना बनाना जरूरी नहीं है, उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है जान लो। चपाती बोले तो मटन कुर्मा, इडली बोले तो चिकन कुर्मा, पाया को आया सॉरी इडियप्पम बोले तो पाया, पुराना चावल बोले तो मच्छी का सालन, ऐसे ही कॉम्बिनेशन याद रखना तो परफेक्ट रहेगा। अभी जल्दी से टीवी ऑन कर, मैं दिखूंगा। यस सर 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 वन क्वेश्चन सर 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 प्लीज सर सर सुनिए बाद में सर सर प्लीज सर हमें जाने दीजिए सर, हमें अंदर जाने दीजिए सर प्लीज। आई एम फ्रॉम ब्लू क्रॉस मुर्गन, मृगराज फ्रॉम ब्लू क्रॉस। मृगराज? नो सर, मृगराज टीवी पर कुछ चार सांप और बच्चे के साथ फंस गया है, सांप बच्चों को मारना चाहता है सर, टीवी पर देखा सर। बच्चों को अलग करना और सांप को मारना गलत है सर। तुम लोग अपना काम ठीक से करो। क्या कह रहे थे? वो सांप किसी को जान से मार देता है, ये गलत है या नहीं ये पूछा था। अंदर चार बच्चे फंसे हैं, वो सांप अंदर उन बच्चों का क्या हाल करेगा ये सोच सोच कर यहाँ लोग डर के मारे खड़े हैं। इस वक्त उन बच्चों को बचाना जरूरी है या फिर सांप को? सर जहाँ तक मेरा सवाल है, सबकी जान एक जैसी होती है, वो इंसान की जान हो या जानवर की जान, जान होती है सर, उसे काटना मारना टुकड़े करना हम अलाउ नहीं करेंगे। दैट इज ब्लू क्रॉस। रोज सुबह सुबह जाकर मुर्गे की दुकान पे खरीदते हो कि नहीं? जब दुकान वाला मुर्गे के गले पे चाकू चलाता है वो तड़पता है कि नहीं? उस वक्त कहाँ चला जाता है तेरा ब्लू क्रॉस? उस वक्त तो तू यही सोचता है कि चिकन करी बनाऊं या चिकन तंदूरी बनाऊं? सर आप वो बोल रहे हैं जो आपका मन कर रहा है, जो आपको पसंद है। आप चाहे कुछ भी कहो सर, मैं बेजुबान का कत्ल करने के लिए उसे रोकूंगा सर। घंटा? सर आप बैड वर्ड यूज कर रहे हैं। घंटा क्या बैड वर्ड है? ऐसा नहीं सुना सर। हाँ अभी ठीक है। अंदर चार बच्चियों के साथ एक स्कूल टीचर और जू के इंचार्ज बच्चों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मिस्टर ब्लू क्रॉस निकलो यहाँ से। हेलो ये सब क्या है? बच्चियों को ढूंढने की बजाय ये क्या कर रहे हो? ओ तुम कचरा चुनने वाले हो क्या? क्या है? क्या मैडम, सुबह हम लोग यहाँ आए थे। नहीं तो मैं तो अभी अभी आई हूँ। मैं भी तो आपके साथ ही आया था। अरे ये मैप है। ये मैप है? फाइव स्टार को ये च्युइंगम समझती है। ये मैप के जैसा है। ठीक है। तभी हम वहाँ थे। सांप भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। यू टर्न करके हम यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ भी बच्चे नहीं और सांप भी नहीं है, और अभी हम यहाँ है। कहीं भी बच्चे नहीं है तो क्या हो सकता है? क्या क्या हुआ? श्योर ए कादर कादर कादर, तूने जो बोला वो सही है क्या? बच्चों को हर जगह ढूंढा लेकिन मिल नहीं रहे। कहीं वो फेंसिंग की तरफ तो नहीं गए? अरे क्या कह रहा है? ए, फेंसिंग में क्या है? फेंसिंग बोले तो अरे जल्दी बताओ ना। फेंसिंग बोले तो उसमें करंट रहता है। क्या कह रहे हो तुम?
लोगों के आने जाने की फेंसिंग में इलेक्ट्रिक करंट है। वो बात नहीं है, बाजू में बॉयज हॉस्टल है, नाइट में ड्रिंक करके हिरन मारने आते हैं, इसलिए क्या इसलिए लड़के ऐसा करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट लगा दोगे। कैसी टीचर है आप, ये बोल रहे तब भी बिना सोचे समझे बोल रही है। फेंसिंग बोले तो 10 फीट कंपाउंड वॉल के ऊपर रहती है ना, आपको पता नहीं लगा दिया तो। अरे ईस्ट की तरफ का इलेक्ट्रिक रूम है। ये इलेक्ट्रिक रूम है? इलेक्ट्रिकल रूम जैसा। इलेक्ट्रिकल रूम जैसा नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी रूम ही है। पिछली बार यहाँ दशहरे को पूजा हुई थी, उसके बाद से यहाँ कोई आया ही नहीं। भाई इसमें कौन सा फेंसिंग स्विच है? इसमें कौन सा स्विच है? ओ, कुछ करो ना जल्दी। भाई सारी स्विच को ही ऑफ कर देते हैं ना। अरे क्या बोल रहा है तू, क्यों जल्दबाजी कर रहा, दिमाग खराब हो गया है क्या? वो जो स्विच है वो मछली की टंकी क्या, उनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो मर जाएंगी ना। क्या बकवास किए जा रहे हो, मैं बच्चियों के बारे में सोचकर परेशान हो रही हूँ और आप लोग यहाँ चिड़िया और मच्छी की बात कर रहे हो। आप तो कुछ बोल के यहाँ से निकल जाओगी, बाद में इंक्वायरी आएगी तो हमारी ऐसी की तैसी होगी ना। भाई बातें करने का वक्त नहीं है, बाहर पुलिस और प्रेस इंतजार कर रही है, अगर बच्चों को कुछ हो गया तो अपनी हालत खराब हो जाएगी। कादिर ने फैसला किया है ना तो जरूर पूरा करेगा। अरे कादिर तूने भी जो बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया, समझा? चलो चलो पावर कट हो गई है। सर प्लीज सर, वन क्वेश्चन सर, प्लीज सर, प्लीज रास्ता छोड़िए सर, प्लीज रास्ता दीजिए। गुड आफ्टरनून सर। क्या सब्बा, क्या सिचुएशन है? सर अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं है, सांप कहीं भी हो सकता है, बच्चों का भी पता नहीं। वो डेफ एंड डम वाले बच्चे? करेक्ट सर।
अभी अंदर जू के इंचार्ज और स्कूल टीचर और चार बच्चे अंदर हैं। आपने देखा अभी अभी संपत जी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो पब्लिक के द्वारा चुने गए एक नेता हैं। सुबह से लेकर अभी तक काफी हंगामा हो चुका है, चाहे वो पब्लिक हो, पुलिस हो या फिर मीडिया वाले हो, सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक नेता होकर एसी रूम में आराम करने के बाद अपनी एसी गाड़ी में यहाँ पहुँचे हैं। अब आप ही बताइए, क्या पब्लिक को ऐसे नेता की जरूरत है? स्टे ट्यून्ड विद अस, कैमरामैन शंकर के साथ मेनुका। मेनका अलियास काला कुर्सी की नागलक्ष्मी हूँ। माइक बंद करो। गए महीने एसिया रोड में सेकेंड ईयर कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ स्कॉडा कार में आपत्तिजनक स्थिति में पुलिस ने तुम्हें पकड़ा था। और तुम मीडिया वाली हो, इसलिए तुम बच गई। एक साधारण काम करने वाला भी घर से ऑफिस जाते समय बेडरूम का लाइट ऑफ किया क्या, गैस ऑफ किया क्या, बाथरूम का हीटर ऑफ किया, ऐसा सब चेक करके दरवाजा बंद करने के टाइम इलेक्ट्रिसिटी बिल का याद आता है। अब वो लेकर वापस दरवाजा बंद करके बाहर आते ही बाइक स्टार्ट करने के टाइम अचानक से याद आता है कि सेल फोन तो सोफा के ऊपर छूट गया है। अब वापस अंदर जाकर उसे लेकर निकलने के लिए कम से कम 20 मिनट लगेगा। और एक मिनिस्टर को एक मिनट में कितने लोग, कितनी समस्याएं, कितने डिसीजन, कितने सिग्नेचर करने पड़ते हैं पता है? मिस मेनुका अलियास काला कुर्सी की नागलक्ष्मी, नाउ इफ यू विश, एक्सक्यूज मी प्लीज। सॉरी सर। मेरी बात सुनो सब्बा। सर। चार इंचार्ज, एक टीचर, अंदर जाकर वो लोग क्या कर लेंगे? फायर सर्विस मैन, सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट, किसी को बुलाओगे वो सही रहेगा। वो छोड़ के तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसा लग रहा है यहाँ आईपीएल मैच चल रहा है और सब लोग यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। कौन है फोन पे जो इतना टेंशन ले रही है? उन बच्चियों के पापा हैं। अब उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं? हेलो सर, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, बच्चियाँ मिल जाएंगी सर। मैं अंदर आ रहा हूँ। सर अंदर क्या हो रहा है, कोई सही से बता नहीं रहा है। सर उन बच्चियों के ये पेरेंट्स हैं। लगता है हम लोग कहीं मिले हैं। आपकी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ, वो बच्चे नादान बेचारे, ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, बहुत परेशानी है। मुंह और कान काम नहीं कर रहे तो क्या हुआ, आंखें तो अच्छी है ना। अंदर जो बंद पड़ा हुआ होटल है उसकी अगर सारी लाइट्स जला दी जाएं तो उसे देखकर बच्चियां बाहर आ जाएंगी। अब कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है, ये सारी बातें छोड़िए और जाइए। करेक्ट, लेकिन इस वक्त तो करंट भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं सर, वह रेस्टोरेंट है, जनरेटर होगा ना सर? हो सकता है, मगर 6 महीने से ताला लगा हुआ है, काम करेगा कि नहीं पता नहीं। मैं ट्राई करता हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। लेकिन अंदर सांप है ना? अंदर मेरे बच्चे भी तो है ना सर। सबा आप भी अंदर जाओ, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं देख लूंगा। यस सर। ये साइड तो उल्टा पुल्टा हो गया। जो लोग बाहर भागते हुए आए थे उन्होंने ऐसा किया होगा। रेस्टोरेंट के लिए रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है तो मैं काम करता हूँ, मैं जू रेंजर से इसका नंबर लेके आता। ठीक है। हेलो लिंगम। बच्चों के बाप का फोन है। ए, तुम चुप रहो ना। हेलो सर, ढूंढ हाँ बोलिए ना। ठीक है सर, यहाँ पास में जो पुराना रेस्टोरेंट है ना, वहाँ आने के लिए कहा है। अच्छा वहाँ क्या? आइए। वैसे हमें यहाँ क्यों बुला लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाय का प्रोग्राम है? ए?
इतनी बड़ी बात की टेंशन नहीं हो रही है तुम्हें? टीचर, तूफान देखा होगा, सुनामी देखी होगी और भूकंप भी देखा होगा, शिव की तीसरी आंख भी देखी होगी, लेकिन ये कादिर को टेंशन लेते हुए जिंदगी में कभी देखा? कभी लड़की को चिल्लाते हुए देखा है क्या? तो चुप करो ना, वैसे भी वो बच्चियां। I'm extremely sorry sir. अगर मैं थोड़ा केयरफुल रहती तो। आप ही कादिर हैं क्या? Yes sir. Glad to meet. सर सर। इस रेस्टोरेंट का जनरेटर कहाँ है? हाँ, इस रेस्टोरेंट का जनरेटर क्या? वो तो उधर ही होगा। चले गए क्या? तो फिर खाली फोकट सवाल क्यों पूछा? कादिर, कोई कमरा है क्या? हो सकता है सर। सर, मैंने तो पहले ही बोला था ना, ये बहुत ही पुराना है, इसे ऑन करके बहुत महीने हो चुके हैं। सर, मैंने पहले ही बोला था ना, ये किसी काम का नहीं है। कादिर, हाँ सर, अंधेरा होने में और कितना वक्त है? सब जगह तो 6 बजे हो जाता है, लेकिन यहाँ 5:30 बजे हो जाता है सर, चारों तरफ पेड़ है ना। मिस्टर राजा, we have just one hour. सर, इसे ऑन करके क्या करना चाहते हो? अगर ये स्टार्ट हो गया ना तो लाइट चलेगी, उस लाइट को देखकर बच्चे बाहर आ जाएंगे, बस ये स्टार्ट हो जाए, ऐसा प्लान है। प्लान तो सब सही है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये सब देखकर सांप बाहर आ गया तो तुम जाकर बीन बजाना। सही ढंग से एक आइडिया भी नहीं दे सकते, और कैसे सवाल करते हो? No, please! No, Raja, no!
संभल के। सर, मिस्टर राजा। प्लीज, प्लीज मिस्टर राजा। सर, एक मिनट। तो सुपर है। मेरी माँ कहती थी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। और मैं समझता था कि ये सब जोक है। कल इसी वक्त दो दो गोली करके 60 गोलियां खरीदी थी खुदकुशी करने के लिए। किसी तरह ये प्लान चेंज करके 4 बच्चों की जान बचाने में उसे लगा दिया। मेरी माँ बहुत खुश होगी। मेरा काम तो हो गया। थैंक्स क्यों? हम तो बस जी रहे हैं ऐसा सोच रहा था। क्यों जीना चाहिए ये तुमने बताया। मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। आपका फ्रेंड लॉयर। गाड़ी बंद कर दो, ये कम से कम आधा घंटा लेगा। क्या मैडम, आज आप कोर्ट में आई नहीं? आपने कहा था आपको जल्द से जल्द डिवोर्स चाहिए है। आपका हस्बैंड जब देखो काम करता रहता है, लेट घर आता है, पर आप कोर्ट नहीं आई इसलिए जज साहब ने केस खारिज कर दिया। उनके 4 छोटे छोटे कमरे हैं। जब देखो काम है बोलकर बैंकॉक जाकर टच करता हूँ। हेलो हेलो, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं ना मैडम का लेटेस्ट बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। हमारे लिए डिवोर्स जल्दी करवाओ ना। अगर ऐसा केस करेंगे तो केस हार जाएंगे सर। हेलो, ऐसे कैसे केस हार जाएंगे? अच्छा दम लगाकर बोलो, इसी का नाम जिंदगी है। अब मुझे सुकून मिला है। आओ बेटी आओ। मीनाक्षी एक मिनट। अरे पापा, सॉरी पापा। अंदर एक लड़का बैठा है, वो अचानक यहाँ आ गया और वो काम भी करता है और उसने अपनी सैलरी भी बताई। वो बोला कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। क्या बोल रहे हैं पापा? मैं भी ऐसे ही चौंक गया था बेटी। लेकिन बेटी वो बहुत अच्छा लड़का है। हाय, आई एम ऋषि, नाइस टू मीट यू। एक्चुअली आपको मैंने अपने फ्रेंड की शादी में देखा था। हे भगवान। कादिर सर। अरे यार, हाँ
क्या हुआ सर? इंस्पेक्टर साहब आपको हाथों हाथ लेके आने बोले हैं। ओहो, अरे सुबह से मैं कितना टायर्ड हूँ। कितने चैनल वाले, कितने रिपोर्टर्स, कितने माइक और कितने प्रेस वाले, और अभी आप शुरू हो गई कि इंस्पेक्टर बुला रहे हैं, कलेक्टर बुला रहे हैं। क्या सर, आपको मातृभाषा का कुछ हिसाब किताब नहीं है क्या? जिसे बधाई देनी वो आकर दे सकता है सर, वहाँ जाकर थोड़ी लेनी है। आप लोग भी ना। माफ कीजिए सर, आपके जैसी समझदारी हम लोगों में नहीं है। ठीक है, रुकिए मैं आ रहा हूँ। चल। ओए होए 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 होए, क्या है ये सर? पराशक्ति फिल्म का सेटअप लग रहा है। चार फोटो, इतना छोटा ग्लोब, और ये विजयकांत फिल्म के लाइट है। डेवलप हो गया सर। ओ, डेवलप हो गया। हाँ। हो गया तो हो गया। सर को टी या कॉफी चाहिए? सर मुझे क्या? हाँ। सर 6 बजे कोई टी कॉफी पीता है क्या? चिल्ड बियर मंगाइए ना। चिल्ड बियर? हाँ। हाँ, बोल दिया तो आ जाएगी। हाँ। क्यों बे? हाँ? ए, मुझे? हाँ तुझे। एक एक करके मेडिकल शॉप में जाकर दो दो गोली लेकर जमा करके टीवी में इंटरव्यू दिया ना। आइडिया कैसा लगा? सुपर आइडिया। बाप रे। सर आप कहाँ हैं सर? ए, इस तरह देख, पब्लिक को आइडिया देता है। क्यों बे, तू आइडिया देने वाला मास्टर है क्या? तुझे तो दो दो गोली बहुत हो गई ना। सर खाली ऐसे ही मारा इसलिए सर घूम रहा है। तो फिर क्या सच में धुलाई करूं? सर मुझ पे हाथ मत उठाना, अगर उठा दिया तो पूरा स्ट्रेट हिल तो जाएगा। फिर हाथ उठा ही लेता हूँ, पैर से शुरू हो जाएगा।